صلى على سيدنا ومولانا محمد عدد مغفير لله صلاة دائمة بدعاء بملك الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله ولي حليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا حبيب الله इज्जत और एहतराम के लायक नमाजी भाई और दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाताजा शुक्र के जिसकी तौफीक से दरसे कुरान तालीम कुरान और तबलीग कुरान की बरकत घड़ियों में हम सब हाजिर हैं। दुआ है कि खालिक कायनात ये बरकत वाली घड़िया हम सब के लिए निजात और बख्शिश का जरिया फरमाए। आपने कल के दस में अल्लाह की राह में खर्च करने वालों के अजर के हवाले से समाप्त किया। सो आज के दरसे कुरान में अल्लाह की राह में खर्च करने के आदाब और खर्च करने के अजर व सवाब को बचाने और महफूज करने के हवाले से बड़ी अहम हिदायत अल्लाह की इस किताब में हमें दी गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि अल्लज़ीना युन्फिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह के जो लोग अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं सुम्मा ला युतबिऊना मा अन्फकू मन्नन वला अज़न और फिर खर्च करने के बाद एहसान नहीं जतलाते और तकलीफ नहीं देते। ये बड़े दो अहम पॉइंट जो हम सब के जहन में होने चाहिए कि अल्लाह की राह में खर्च करने के बाद एहसान नहीं जताना चाहिए और दूसरा जिस पे खर्च किया है उसको तकलीफ नहीं देनी चाहिए, वरना हमारा सारा वो खर्च करना और पैसा लगाना वो सब जाय होगा। बल्कि अल्लाह की रजा के लिए जब कोई भी बंदा मोमिन अल्लाह की राह में खर्च करता है तो अल्लाह उसके रसूल की खुशी कितनी होती है कि जब तबूक के मौके पे सरकार ने सलाम ने फंड का ऐलान किया तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु 1000 ऊंट कजावे के साथ लेकर हुजूर की बारगाह में पहुंचे, 1000 और उसके साथ 1000 दिनार उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में कुर्बान किया। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी का ये माल लिया तो आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, बारी ताला मेरा उस्मान तेरे और तेरे हबीब की रजा के लिए माल लेके आया है, या अल्लाह मैं भी उस्मान पे राजी हूं तू भी अपने उस्मान पे राजी हो। तो जब माल खर्च करने में अल्लाह की रजा शामिल होती है, तकलीफ देना रियाकारी करना शामिल नहीं होता, तो फिर अल्लाह ताला उस खर्च किए को हमारे लिए नफे वाला बना देता है। और हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस मुबारक रिवायत है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तीन बंदों पर अल्लाह ताला कयामत के दिन रहमत की नजर नहीं फरमाएगा, यानी रहमत की नजर से तीन बंदे महरूम रहेंगे। उसमें पहले नंबर पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कि जो एहसान जितलाने वाला, दूसरा हुजूर ने फरमाया कि जो माँ बाप का नाफरमान, और तीसरा वो कि जो शराब का आदि होता है, यानी हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता है, आदि है शराब के नशे का। इन तीन लोगों पर अल्लाह रहमत की नजर नहीं फरमाएगा। आप देखें कि एहसान जितलाना ये कोई मामूली गुनाह नहीं। और हमारे यहाँ माशरे में जो है माशाल्लाह जब तक एहसान जितलाया ना जाए और दूसरे को बताया ना जाए तब तक नेकी को नेकी नहीं समझा जाता। और अल्लाह ना करे अगर इंसानी फितरत के
तकाजों के मुताबिक घर में या रिश्तेदारों में, बिरादरी में या किसी भी मामले में कोई झगड़ा हो जाए, कोई खानदानी झगड़ा हो जाए, तो वहां पे एहसानात जितलाने की एक ऐसी गर्दान पड़ी जाती है कि सुनने वाला सोच सोच के मर जाता है कि काश जो है इसने ना ही किया होता तो बेहतर होता, मैंने तेरे साथ ये किया, मैंने तेरे साथ ये किया, मैंने तेरे साथ ये किया, वगैरह वगैरह। तो वो बंदा एहसान जितला कर अपने माल को जो है जाय करने वाला होता है। इसी तरह हजरत उबैद बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, उसने चार लोगों के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चार लोग वो होंगे जो जन्नत में दाखिल नहीं हो सके, जन्नत में दाखिल नहीं हो सके। उन चार में भी हुज़ूर ने तीन वो लोग बयान फरमाए, एहसान जितलाने वाला, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, शराब का आदि आदमी, और इस हदीस में चौथा मूसा सल्लम ने फरमाया वो शख्स के जो जादू पर यकीन रखता है, जादू टोने पर जो यकीन रखता है, एक सब कुछ उस जादू को समझता है, तो वो बंदा भी जो है जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। तो इसलिए अल्लाह की राह में खर्च करने की जब भी तौफीक मिले, जब भी मौका मिले, थोड़ा कर ले, खुशी से करें, अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए करें, किसी पे एहसान जतलाने के लिए, ठीक है ना। बस मालों से मसाइल वगैरह आते रहते हैं ना, तो कई मरतबा इमामों के हवाले से ये मसला आता है, इमाम साहब पूछ रहे होते हैं जी कि हमारा इस तरह मामला हुआ, तो एक नमाजी ने कह दिया कि ले ऐसी तनु तनख्वाह नहीं दे रहे, यानी मौलाना साहब को एहसान जितला के कहा जाते हैं कि तनु तनख्वाह नहीं दे रहे। वो ये याद रखना कि आप जो भी अल्लाह के घर के लिए फंड देते हैं वो अल्लाह के घर के लिए होता है, इमाम साहब हो, वजीर साहब हो, खतीब साहब हो, वो अल्लाह के घर का नौकर है, खादिम है, उसको जो मुआवजा मिलता है वो अल्लाह के घर से मिलता है। किसी नमाजी को, किसी बंदे को ये जाती तौर पर जायज नहीं है कि वो अल्लाह के घर में दिए हुए पैसों का एहसान जो है वो किसी मौलाना साहब ने जतला। वो इसलिए मौलाना साहब को या आम माशरे का कोई भी फर्क हो, नेकी करें अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए, और अगर तकलीफ देने के लिए किए, एहसान जतलाने के लिए किए, तो उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने बड़ी खतरनाक बयान फरमाई। अल्लाह ने फरमाया कि जो दिखावे के लिए माल खर्च करता है, एहसान जितलाने के लिए करता है, उसके खर्च करने की मिसाल ऐसे है जैसे एक चट्टान होती है और उस पर मट्टी वगैरह पड़ी होती है, और बारिश आती है तो वो सारी गर्द गुबार को नीचे उतार देती है, और फिर वो चट्टान जो है वो पहाड़ बन जाता है। यानी रियाकारी, दिखावे और एहसान जितलाकर माल खर्च करने वाला ऐसे है कि जैसे वो नेकी को पाप से गिराने वाला है। और इसके मुकाबले में अल्लाह सल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मसलुल लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम इब्तिगा मरदातिल्लाहि वा तस्बीतन मिन अन्फुसिहिम कमसलि जन्नतिन बिरब्वतिन असाबुवाबिन, और जो अल्लाह की रजा के लिए माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसे है जैसे एक बाग हो और उस बाग पे बारिश नाजिल होती है तो अल्लाह ताला जो है उस बाग के फल को दो गुना बढ़ा देता है, बाग के फल को। ये देखिए ना, ये डायरेक्ट बराह रास्त अल्लाह के कुरान की बात है, अल्लाह के रज़ा के लिए हम खर्च करते हैं तो बाग की तरह जो है वो तुम्हारा खर्च करना होता है, अल्लाह रहमत की बारिश बरसात है तो उसका फल डबल हो जाता है। तो ये अब हम पे फैसला है कि हम जब अल्लाह की राह में चाहे कोई भी उसका तरीका हो, मस्जिद में खर्च करते हैं, किसी जगह बच्चों की तालीम के लिए खर्च करते हैं, किसी गरीब फकीर की मदद करते हैं, कोई वेलफेयर का काम करते हैं, किसी जगह कोई वाटर फिल्टर की जरूरत है उस पर खर्च करते हैं, कोई भी भलाई का आप काम करते हैं, तो उसके लिए जो है जरूरी है कि अल्लाह रसूल की रजा के लिए किया जाए। और ये सब एहसास मोमिन के लिए, काफिर जितना मर्जी खर्च कर दे चूंकि वो ईमान वाला नहीं है तो वो इस अजर से भी मालूम, इस अजर से भी मालूम। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो लोग जो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं और खर्च करने के बाद एहसान जितलाने और तकलीफ देने की पैरवी नहीं करते, लाहुमा अजरहुम मिंद रब्बिहिम, उनके लिए अजर है उनके रब की बारगाह में, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ऐसा अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाले को
ना कभी खौफ होता है और ना कभी गम होता है। और ये याद रखना, खौफ और गम दो चीजें कुरान मजीद में आती हैं। खौफ ये होता है कि आने वाले जमाने में, यानी अभी कोई खतरा आया नहीं है, यानी आने वाले जमाने में किसी खतरे के बारे में जो डर होता है उसको खौफ कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, खौफ। और जो पिछले जमाने में कोई दुख मिला, तकलीफ हुई और उसके बारे में अगर कोई सोच विचार है तो ये गम होता है। तो जो अल्लाह की रजा के लिए माल खर्च करते हैं, अल्लाह ना पिछले जमाने का गम उनको लगने देता है, ना आने वाले जमाने का खौफ उनके दिल में आने देता है, और वो अपनी इत्मीनान वाली जिंदगी गुजारते हैं। और फरमाया कौलुम मारूफुन व मगफिरा, नेकी की बात करना और लोगों को माफ कर देना, नेकी की बात करना और लोगों को माफ कर देना, खैरुम मिन सदकतिन, ये उस सदके से बेहतर है, यतबाउहा ज़न, जिसके खर्च करने के बाद किसी को तकलीफ दी जाए। यानी कितनी आसान सी बात अल्लाह ताला ने फरमाई, लेकिन यानी एक बंदा वो है कि जिसको अल्लाह ने सहबे हैसियत बनाया, माल तो खर्च करता है लेकिन कोई तो एक माहौल बना के करता है, जिसको देता है उसको अपना गुलाम नौकर समझ के देता है, घटिया समझ के देता है, उसको इंसान तक नहीं शुमार करता है। तो उस खर्च करने से फिर बेहतर है कि आप लोगों को नेकी की बात बताए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नेकी की बात भी जो है सदका है, और किसी को माफ कर देना यह भी सदका है। तो अगर अल्लाह ने किसी को माली तौर पर मुस्तकम नहीं बनाया, ठीक है ना, ये रब की तकसीम है, ठीक है, अगर ये सादत नसीब हो जाए कि आप जो है नेकी की बात बताने वाले हैं, और जरूरी नहीं कि आप पर जो है किसी मस्जिद के इमाम खतीब होंगे तो नेकी की बात बता सकेंगे, ये जरूरी नहीं है कि आप मौलाना साहब बनेंगे 8-10 साल लगा के तो फिर नेकी की बात कर सकेंगे, नहीं, जो अच्छी बात आपको लगती है घर की हद तक, रिश्तेदारों की हद तक, बच्चों की हद तक, ठीक है, आजकल छोटी छोटी अच्छी अच्छी बुक्स मिल जाती है, सहाबे किराम में से कितने सहाबे किराम में जिनका तरीका होता था अपने बच्चों को बिठा के अल्लाह के नबी की बातें उनको घर में पढ़ाते थे और उनको जो है सिखाते थे। वो कई सहाबे किराम अपने घर में उन्होंने कुरान सेंटर बनाया हुआ था, जो भी आता उसको अल्लाह के कुरान की तालीम देते थे। सरकार ने सलातुल्लाह के दौरे 10 में हयात ज़ाहिरी में मदीना शरीफ में जो है 40 घरों में जो है वो कुरान सेंटर के नाम पे दीन का काम होता है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 घरों में चक्कर लगा रहे थे कि मेरे सहाबा मेरे बिना अल्लाह के दीन की तालीम को जो है किस तरह फैला रहे हैं। यानी आप ऐसे वो डायरेक्टर भी वहां पे काम करते थे और फिर ऑर्गेनाइजर भी आप काम करते थे और वाच भी करते थे। तभी याद आ गया, ये हमारे यहाँ आमतौर पर वो एक डिश का नाम भी जो है वो हलीम होता है, तो उसको हलीम ना कहा गया, हलीम अल्लाह ताला का नाम है, उस हलीम का जो प्रॉपर नाम है ना वो नाम है दलीम, दाल के साथ, ठीक है, अगर दलीम कहते हुए शर्म आती है तो फिर आप उसको कोई और नाम दे दें, लेकिन उस चीज को हलीम ना करें, लेकिन हलीम भी प्लेट लिया, लेकिन हलीम दोबारा लाया, तो ये अल्लाह के नाम की बेअदबी होती है, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे काम लफज है कि जो ऐसे मनगढ़ंत तरीके से आम हुए हुए हैं, उनकी हकीकत बैग पे और है, ठीक है, तो ये एक अलग बहस के बारे में उसमें नहीं जाना चाहता। तो हलीम के लफ्ज से ये बात याद आ गई, तो आपने उस डिश को दलीम कहना पड़ता है, हलीम भी कहना पड़ता है, ठीक है। और फरमाया या अय्युहल लज़ीन आमनू वा ईमान वालो ला तुतलू सदकातकुम बिल मन्नि वल अज़ा, अपने माल एहसान और तकलीफ से ज़ाया ना करो, कल्लज़ी युन्फिकु मालहु रिया अन्नास, ये उस तरह होगा कि जैसे कोई बंदा दिखावे के लिए माल खर्च करता है, और उसकी मिसाल ऐसी होगी कि चट्टान पर जो है बारिश बरसे और उसका सब कुछ जो है बहा के ले जाए, तो जो दिखावे के लिए करेगा, एहसान जताने के लिए करेगा, तो जिस तरह बारिश उस चट्टान को साफ कर देती है, तो इसके अजर सवाब को भी ऐसे बहा के ले जाएगी। अल्लाह के हुजूर इल्तिजा है कि अल्लाह ताला बहसियत मुसलमान बहसियत मोमिन जिंदगी में थोड़ा खर्च करें, ज्यादा करें, अपनों पे करें, परायों पे करें, दीन की राह में करें, दुनिया की राह में करें, जहां भी करें दिल में अल्लाह उसके रसूल की रजा का जज्बा होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपने सदकात और खैरात का जो सवाब महफूज रखने की सादत अता फरमाए। अभी ना दुआ के बाद आप सब दोस्तों से गुजारिश है, या जो आप फारिग हैं,
हमारे करीम गार्डन के बड़े मोहतरम हाजी साबिर साहब जो यहाँ करीम गार्डन के रिहायशी हैं, जिनका ये दरबार जो है उनके बुजुर्गों का बहन अलवासी, उस हाजी साबिर साहब का बड़ा बेटा जो है ना जद्दा में फौत हो गया है और हार्ट अटैक की वजह से फौत हुए। उनकी नमाज जनाजा वहाँ पे जद्दा में हो चुकी है, यानी आधा घंटा पहले हो गई है नमाज जनाजा। तो उनके लिए वो पहले इधर गैबाना नमाज जनाजा का इंतमाम करने लगे थे, तो हमने उनको मना किया है कि गैबाना नमाज जनाजा जो है वो जायज़ ही नहीं है, गैबाना नमाज जनाजा का इख्तियार जो है वो सिर्फ अल्लाह के नबी को, किसी आम बंदे को गैबाना नमाज जनाजा की ना इजाजत है ना शरीयत में जायज़ है। तो हमने उनको कहा कि आप उनके लिए दुआ का इंतमाम करवा दें, तो उन्होंने जो है दरबार पर दुआ का इंतमाम रखा है। आप में से जो साथी लाना चाहे वो यहाँ की दुआ के बाद वहाँ पे जो है ईसा सवाल के लिए दुआ में शामिल कर जाए। يا حي يا قيوم برحمتك نستغفرك صلاتك يا رب فسنا طرفت عيني واستغفر لنا شؤوننا الله مولانا اللهم ربنا تقبل منا هذه الصلاه نسر ودرس القران مع جميع الحاضرين كما تقبلت من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وصلى الله تعالى على خير خلق محمد